कोविड-19 के संकट काल में सुंदरनगर के युवा विधायक राकेश जम्बाल ने अनुकरण पहल की है। सीएम जयराम ठाकुर की अपील पर विधायक जम्बाल ने आज 1 माह का वेतन कोविड-19 सॉलिडेटरी रिस्पांस फंड के लिए दिया है। ये राशि जरूरतमंद लोगों को सहायता में दी जाएगी। राज्य सरकार ने कोविड-19 सॉलिडेटरी फंड स्थापित किया है। इस फंड में आई रकम संकट काल में आम जनता की मदद के लिए दी जाएगी। कोविड-19 के खतरे के मद्देनजर एमएलए राकेश जम्बाल ने 1 माह का वेतन फंड में अंशदान के तौर पर दिया है। जम्बाल अपनी जनसेवा के लिए जाने जाते हैं और विधायक ने सभी से फंड में उदारता से अंशदान करने की अपील भी की है। कोरोना वायरस जिसने आज वैश्विक महामारी का रूप धारण किया है, जिससे पूरी दुनिया में आज हजारों लोगों ने जाने गंवाई है, हमारे देश में भी कोरोना वायरस धीरे धीरे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार, हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार मिलकर इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रदेश की जनता से भी निवेदन है कि हम सब लोग मिलकर इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रदेश सरकार का, प्रदेश के प्रशासन का हम सहयोग करें। और इसमें पहल करते हुए मुझे लग रहा है कि हिमाचल की सरकार, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों के लिए जो रिलीफ फंड जनरेट किया है, उसमें अपनी 1 माह की सैलरी देने का मैंने निर्णय किया है और आज अपने सैलरी में से 1 माह की सैलरी इस रिलीफ फंड में दी है। मैं प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग दलगत रणनीति से ऊपर उठकर इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए सब लोग तन मन धन से प्रयास करें। और हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, आज पूरे प्रदेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, मेरा जनता से भी निवेदन रहेगा कि आप इसमें प्रशासन का, सरकार का